नमस्कार साथियों, आइए समझते हैं पटाव सिंड्रोम बीमारी क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो यह पटाव सिंड्रोम एक अनुवांशिक रोग है, एक अनुवांशिक रोग है। दोस्तों, बात यह आती है कि भैया अनुवांशिक रोग होता क्या है। तो दोस्तों, ये बीमारी हमें जन्म के साथ मिलती है। दोस्तों, ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है। दोस्तों, इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता, इन्हें सिर्फ दवाइयाँ देकर कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात ये आती है कि ये बीमारी होती कब है। तो दोस्तों, जब आप माँ के पेट में रहते हो तब दोस्तों आपकी कोशिका के गुणसूत्र या जीन में प्रॉब्लम के कारण दोस्तों ये बीमारी होती है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि भैया अनुवांशिक रोग जेनेटिक डिसीज होता क्या है। दोस्तों, अब तक हमने 7 बीमारियां पढ़ ली। वो बीमारियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। नंबर एक पर बात करें दोस्तों तो कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। नंबर दो पर आती है दोस्तों हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। नंबर तीन पर आती है दोस्तों सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया। नंबर चार पर आती है दोस्तों थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। नंबर पांच पर दोस्तों जो बीमारी आती है आपकी, वो बीमारी आती है दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दोस्तों, नंबर छह पर जो बीमारी आती है भैया, वो बीमारी आती है दोस्तों डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। और दोस्तों, नंबर सात पर जो बीमारी आती है दोस्तों, वो आती है भैया टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और दोस्तों, नंबर आठ पर जो बीमारी है भैया, वो बीमारी है भैया पटाव सिंड्रोम। दोस्तों, आठवीं बीमारी हम कौन सी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो भैया पटाव सिंड्रोम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये एक अनुवांशिक बीमारी है। दोस्तों, ये जो बीमारी होती है भैया, ये भैया लड़के व लड़की में, लड़के व लड़की में समान रूप से होती है। क्यों होती है दोस्तों समान रूप से? क्योंकि दोस्तों ये जो बीमारी है भैया, ये भैया ऑटोसोम, ऑटोसोम गुणसूत्र में प्रॉब्लम के कारण, प्रॉब्लम के कारण ये बीमारी होती है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि जो पटाव सिंड्रोम जो बीमारी है दोस्तों, ये लड़के व लड़की में समान रूप से होती है। दूसरी बात दोस्तों, मैंने आपसे क्या कही कि भैया ये बीमारी ऑटोसोम गुणसूत्र में प्रॉब्लम के कारण ये बीमारी होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि भैया ये ऑटोसोम गुणसूत्र क्या होते हैं और एलोसोम गुणसूत्र क्या होते हैं। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ऑटोसोम गुणसूत्र क्या होते हैं और एलोसोम गुणसूत्र क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों क्रोमोजोम के बारे में, क्रोमोजोम के बारे में। दोस्तों, क्रोमोजोम जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इस लाइट को एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन करना। दोस्तों, जो क्रोमोजोम होता है वो भैया दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक पर बात करें दोस्तों तो ऑटोजोम, नंबर दो पर बात करें दोस्तों तो एलोजोम। दोस्तों, जो नॉर्मल लड़का होता है, उस लड़के में दोस्तों जो गुणसूत्र होता है भैया, वो होता है 44+XY। दोस्तों, जो नॉर्मल लड़की होती है, उसमें जो गुणसूत्र होता है वो होता है भैया 44+XX। दोस्तों, ये जो 44 है, ये जो 22 जोड़ी है दोस्तों, ये वाले गुणसूत्र होते हैं भैया ऑटोजोम। ये दोस्तों लड़के व लड़की में समान होते हैं।
ये भैया 22 जोड़ी होते हैं, टोटल नंबर में 44 होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, लड़के में लड़की में जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, वो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी होते हैं। दोस्तों एलोजोम क्रोमोजोम की बात करें भैया, तो भैया ये लड़के व लड़की में अलग अलग होते हैं, यानी कि ये वाले जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, ये वाले गुणसूत्र एलोजोम होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई दोस्तों? अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो पटाओ सिंड्रोम जो बीमारी है दोस्तों, ये ऑटोजोम गुणसूत्र में प्रॉब्लम के कारण पैदा हुई है, यानी कि दोस्तों इन गुणसूत्रों में प्रॉब्लम हुई है, तब जाकर दोस्तों आपको ये पटाओ सिंड्रोम हुआ है। मैंने कहा कि ये बीमारी लड़के व लड़कियों में समान रूप से होती है, जैसे कि दोस्तों हमने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा था, तो कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी थी दोस्तों, वो लड़कों में अधिक हो रही थी और लड़कियों में कम हो रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ देखा जाए तो भैया ये बीमारी लड़के व लड़कियों में समान रूप से हो रही है, क्योंकि भैया ऑटोजोम में प्रॉब्लम है। होता क्या है दोस्तों कि एक जो अगर मैं लड़के की बात करूँ दोस्तों, तो लड़के में 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 प्लस में एक्स वाई, यानी कि टोटल 46। बात की जाए दोस्तों तो 23 जोड़ी, 22 जोड़ी तो इधर होते हैं और दोस्तों एक जोड़ी इधर होते हैं। क्या इस बात को आप मानते हो? तो इस तरफ वाली जो 22 जोड़ी है दोस्तों, उसमें दोस्तों होता क्या है, जो 13वीं जोड़ी है ना, 13वीं जोड़ी, इस 13वीं जोड़ी में दोस्तों एक गुणसूत्र आकर के एड हो जाता है। इस 13वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र आकर के ऐड हो जाता है, इससे दोस्तों क्या लक्षण आता है उस बच्चे पर? दोस्तों सबसे पहला लक्षण आता है दोस्तों कि जो बच्चा होगा उस बच्चे के होठों पर कट होगा। दोस्तों ऐसे बच्चे का जो पाचन तंत्र होता है वो भैया इस रोग में प्रभावित तो होता है। बात क्लियर है दोस्तों? ये जो बच्चा होगा ये दोस्तों ठोस फूड यानी कि ठोस भोजन पचा नहीं पाता, उसका पाचन नहीं कर पाता। मैं पाचन लिख देता हूं, उसका पाचन नहीं कर पाता, दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, उसका पाचन नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्तों ऐसे रोगी को दोस्तों जो लिक्विड के फॉर्म में दोस्तों भोजन दिया जाता है, तो भैया ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और समझा देता हूं। कुछ नहीं है दोस्तों, सीधी सी बात है दोस्तों, जो पटाओ सिंड्रोम होता है ये भैया एक अनुवांशिक रोग है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये बीमारी लड़के व लड़कियों में समान रूप से होती है। तीसरी बात क्या है दोस्तों, ये बीमारी ऑटोजोम गुणसूत्र में प्रॉब्लम के कारण ये बीमारी होती है। मान लीजिए मैंने ये लड़का है, लिखने में परेशानी हो गई लेकिन मैंने बोला सही था दोस्तों। जो नॉर्मल मैंने लड़का का एग्जांपल लिया था, लड़के में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 44 प्लस में एक्स वाई, इस वाले 22 जोड़ी होते हैं इधर वाले, जिन्हें ऑटोजोम गुणसूत्र कहा जाता है, इधर वाले जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो एलोजोम होते हैं, यानी कि एक जोड़ी होते हैं। इस बीमारी में दोस्तों ऑटोजोम में प्रॉब्लम होती है। बात क्लियर है? 13वीं जोड़ी में क्या होता है दोस्तों, इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये 22 जोड़ी है, उसमें से जो 13वीं जोड़ी है दोस्तों, इस 13वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र आकर के एड हो जाता है, जिससे हुआ क्या, पाचन तंत्र प्रभावित हुआ, बच्चों के होठों पर कट हुआ, और दोस्तों जो बच्चा है उसका पाचन तंत्र पूरा खराब हो जाता है, वो दोस्तों ठोस भोजन का पाचन नहीं कर पाता। इस कारण दोस्तों जो रोगी होता है उसे लिक्विड के फॉर्म में भोजन दिया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये बीमारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।